एक सराहनीय काम करते हुए एक सट्टा जुआ पकड़ा है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और काकादेव और कल्याणपुर 2 जगह ये लोग, जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया है, जुआ खिलवाते थे और दोनों जगहों से मिलाकर कुल 38,25,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ताश की गड्डी, कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सर, किस तरीके से लोग अपना काम करते थे? ये वैसे इनके पास से ताश की गड्डी भी बरामद हुई है, तो परंपरागत तरीके से भी ये करते हैं, लेकिन मुख्यतः इनका काम रहता था ये ऑनलाइन जो सट्टा होता है वो ये लोग सेंसेक्स के हिसाब से और दिन में 5 बार ये लोग उसको खोलते थे और नंबर के ऊपर लोग सट्टा लगाते थे और उस आधार पे ये लोग खेलते थे। सर, किस प्रकार से नंबर आता था? कोई डिब्बा बनाए हुए थे अपना, किस प्रकार से नंबर आता था? ये क्या करते थे, जैसे डिफरेंट जो मार्केट, शेयर मार्केट्स हैं वर्ल्ड ओवर, जर्मनी की हो गई, उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम अलग अलग रहती है, तो उनके जो मार्केट जब क्लोज होती थी तो लास्ट के 2 डिजिट उठाते थे और जो लोकल लेवल पे अलग अलग इनके जैसे एजेंट्स रहते हैं वैसे ये नंबर उनसे पर्चियाँ कलेक्ट कर लेते थे, फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लेते थे और जो इनका मेन जो इनका सरगना था, जो अभी भागा हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ, वो भाग गया मौके से, संतोष नाम है उसका, संतोष सोनी, तो उसके पास जैसे ये एक एरिया कानपुर नगर का वो देख रहा है तो उसके पास ये सारी व्हाट्सएप पे पर्चियाँ भेज देते थे। जैसे ही जिसका नंबर निकलता था उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते थे। अगर सिंगल डिजिट उसमें निकल रहा है तो 10 का 90 देते थे और डबल डिजिट अगर किसी का निकल आया तो 10 का 750 देते थे। सर, कितने सालों से काम कर रहे थे इन्वॉल्व? ये अभी जो सट्टा इन्होंने बताया है, प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी की गई उसमें बता रहे हैं कि 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं। सर, पैसे के अलावा क्या क्या बरामद हुआ? पैसे के अलावा ताश की गड़ियाँ मिली हैं, मोबाइल मिली हैं, पर्चियाँ मिली हैं, रजिस्टर्स मिले हैं जिस पर ये हिसाब करते थे और मोबाइल फ़ोन हैं जिनमें इन्होंने जो पर्चियाँ फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप की थी। उनका सरगना कौन है? इनका मेन जो हेड है यहाँ का, जो अभी तक जो इंक्वायरी में पता लगा है, वो संतोष है। और एक तो ये सट्टा लगा रहे हैं, बाकी ये भी संज्ञान में आया है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है इस पर भी ये सट्टा लगा रहे थे कि ये होगा या नहीं होगा, उस पर भी ये सट्टा लगा। इसमें कोई सफेदपोश, कोई राजनीतिक दबाव या किस तरह का कोई? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, ना कोई दबाव है। और बाकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं, जो CDR एनालिसिस उसके बेसिस पे जो और भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी आगे हम उनको अलग अलग सिटी में भी इनका, क्योंकि ये ऑनलाइन है, मोबाइल के थ्रू होता है, तो ये पॉसिबल है कि और सिटीज़ में भी वो खिलवा रहे होंगे। ये मेनली जो नंबर खुलता है वो इनका 6 बार खुलता है दिन में और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो डिफरेंट शेयर मार्केट्स हैं वर्ल्ड ओवर उनके जो नंबर क्लोजिंग टाइम के जो नंबर रहते हैं लास्ट के 2 डिजिट उसके बेसिस पे सट्टा लगवाते हैं। ये जैसे अभी नीट का और JEE का एग्ज़ाम का जो चल रहा है कि कोई कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, कई कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी ये सट्टा लगा रहे थे कि होगा, 1-1 का 3 इस टाइप में जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें पता लगा है कि ये उस पर भी लगा रहे हैं। स्पॉट फिक्सिंग टाइप का भाव अलग है और नहीं होगा उसका भाव अलग है, तो उसी पे हार जीत उसी पे होगी।